हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बाजार 38 किचन ईसी एंड टेस्टी। आप सब लोग कैसा है? हमने आज बना रहे चिकन ड्रमस्टिक। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको आगे हम दिखाएगा। आप में से कोई पहले बार मेरा वीडियो देख रहे, प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखने का आपका ओपिनियन अबाउट माई चैनल। चलिए दिखाएगा आगे क्या कर रहे हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। इससे पहले हम बता रहे हैं आपको, हमने इधर 1 किलो बोनलेस चिकन लाया, उसको अच्छा से साफ करके छोटा पीस करके कट किया, और इसमें थोड़ा कीमा जैसे भी कट करके रखा। ये पूरा हमने चिकन ड्रम स्टिक बनाने के लिए यूज़ नहीं करेगा, इसमें से थोड़ा उठा के रखेगा, थोड़ा चिकन ड्रम स्टिक बनाएगा, ये अभी कुक करेगा अच्छा से। इसके लिए हमने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, और साथ में हमने ऐड किया 1/2 टेबल स्पून साल्ट। अभी इसको अच्छा से मिक्स किया हमने, मिक्स करके इसमें थोड़ा पानी ऐड किया, इसमें पानी ऐड करके अभी इसको कुक करने के लिए गैस पे रखेगा। अभी इसमें हमने थोड़ा सा तेल ऐड किया, तेल इसके लिए हमने ऐड किया, चिकन सॉफ्ट रहेगा इसके लिए। अभी अच्छा से मिक्स करने का, और इस पर पहले हमने हाई फ्लेम में रखा, फिर इसको हमने अभी तेल ऐड किया, फिर इसको हमने लो फ्लेम में रखा, अभी ये अच्छा से डाप के रखा। अभी हमारा चिकन पूरा तैयार हो गया। ये चिकन पूरा हमने चिकन ड्रमस्टिक के लिए यूज़ नहीं कर रहे, इसमें से थोड़ा निकाल के हमने चिकन ड्रमस्टिक बनाएगा, बाकी जो चिकन है निकाल के हम फ्रीज़र में रखेगा। ये कभी चिकन सैंडविच बनाएगा, चिकन कटलेट बनाएगा, जो भी काम है चिकन का सैंडविच वगैरह बनाने के लिए उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने इतना सारा बना के रखा। अभी ईद भी आ रहा है, अभी थोड़ा रोज़ा भी बाकी है, सो इसमें से कुछ ना कुछ बना सकते हैं। जो भी बनाएगा आपको हम दिखाएगा इसमें से निकाल के। सो अभी हमने शुरू करने वाला है चिकन ड्रम स्टिक का, कैसे बनाने का वही तरीका। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। अभी हमने इधर थोड़ा चिकन लिया चिकन ड्रम स्टिक बनाने के लिए, इसको ऐसे पीस करके छोटा छोटा पीस करके रखा है। इसमें हमने अभी क्या क्या चीज़ ऐड करेगा आपको आगे आगे हम दिखाएगा। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज। इसमें हमने अभी ऐड किया 1 छोटा सा प्याज और 1 आलू उबाल के रखा, वो मैश करके रखा इसमें। ये दोनों चीज़ अभी इसमें अच्छा से मिक्स करेगा, अच्छा से मिक्स करके रखने का भी। अभी इसको अच्छा से हमने मिक्स किया, अभी हम आपको दिखाएगा आगे क्या करने का। इसमें हमने ऐड किया रेड चिल्ली सॉस थोड़ा, चिल्ली फ्लेक्स थोड़ा, जीरा पाउडर थोड़ा, और हमने ऐड किया थोड़ा ब्लैक पेपर। सब थोड़ा थोड़ा ऐड किया हमने, ज़्यादा नहीं, क्यों वो थोड़ा ही बना रहे चिकन ड्रम स्टिक में, वो हिसाब से आपको क्वांटिटी ज़्यादा आप बना रहे हो हिसाब से आप ज़्यादा लेने का। अभी इसमें हमने ऐड किया कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, और इसमें हमने ग्रेट करके चीज़ डाला 1 छोटा कप में, और इसमें अभी हमें ऐड करेगा थोड़ा सा साल्ट थोड़ा ही ऐड करने का, क्यों चीज़ में भी साल्ट है, पहले हमने चिकन उबाला इसमें भी साल्ट है। सो साल्ट आपका टेस्ट के हिसाब से हमेशा हम बोल रहे ऐड करने का। अभी इसको अच्छा से मिक्स करने का, अच्छा से मिक्स करके रखने का।
एकदम अच्छा से मिक्स करने का, मिक्स करके ये रखने का। इसके बाद अभी हम बनाएगा चिकन ड्रमस्टिक कैसे बनाने का, वो आपको हम दिखाएगा, मतलब जो बना के रखा हम दिखाएगा। अभी हमने वो बनाना शुरू किया, हमने इधर स्टिक लिया, हमारे पास आइसक्रीम स्टिक नहीं था और चिकन का लेग का स्टिक भी नहीं मिला, इसके लिए हमने स्टिक लिया। स्टिक में ऐसे बना के रखा, इसमें हमने ब्रेड क्रम्स और अंडे में डीप करके रखा। ये देखो अंडे में हम डीप किया अभी, इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डीप करेगा। अभी इसको ब्रेड क्रम्स में हमने डीप किया, डीप करके इसे रखा। देखो अभी इसको हमने ओवरनाइट फ्रीज करेगा। इसको ओवरनाइट फ्रीज करने के बाद फ्राई करेगा। अभी हमने कढ़ाई में तेल ऐड किया डीप फ्राई के लिए, उसमें हमने चिकन ड्रमस्टिक डालने शुरू किया। अभी ये फ्राई करने शुरू हो रहा है, हमने फ्रीज करके रखा था वो बाहर निकाल के फ्राई करने शुरू किया, लो फ्लेम में हमने शुरू कर रहे हैं, लो फ्लेम में फ्राई करने का इसको। इसको ज़्यादा फ्राई करने का नहीं, क्यों चिकन वगैरह चिकन कुक ऑलरेडी कुकड है इसमें। इसको हाई फ्लेम और मीडियम फ्लेम नहीं करने का, लो फ्लेम में ही फ्राई करने का, लो फ्लेम में फ्राई करके निकालने का। अभी ये तैयार हो रहा है, अभी इसको देखने का, पलटी करके देखने का। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह ये तैयार हो रहा है। अभी हमारा चिकन ड्रम स्टेक इज रेडी नाउ, तैयार हो गया। अभी इसमें हमने तैयार होने के बाद जो स्टिक बार दिखते हैं उसमें हमने अलूमिनियम फॉयल पेपर से लपेटेगा। माशाल्लाह तैयार हो गया, नाउ ये रेडी हो गया, इट्स रेडी टू ईट। अभी बना के देखने का, ट्राई करने का, कमेंट बॉक्स में आप लिखने का कैसे लग रहे है। प्लीज आपका कमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू मी। और आप सब लोग को, जितना लोग सब्सक्राइब किया मेरा चैनल, सब लोग को मेरा तरफ से थैंक यू। आगे भी आपका सपोर्ट चाहिए। सी यू सून विथ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।